सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। फेस पैक है, बहुत अच्छा ब्राइटनिंग फेस पैक है, जिसे लगाकर आपको यूज़ करना होगा और फिर आपकी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छी ब्राइट और ग्लोइंग लगने लगेगी। तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें पहला है दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये एंटी एजिंग के लिए अच्छा होता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड ब्राइट बनाता है। तो थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के आसपास दही ले लिया है। एक चुटकी हल्दी डाल रही हूँ मैं उसके अंदर। हल्दी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, हल्दी में एंटीबायोटिक होती है। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है इसके अंदर, फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसमें 2 चीज़ें और डालनी हैं, और एक डालनी है कॉफ़ी। तो मैं इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी मिलाऊँगी। कॉफ़ी आपकी फेस ब्राइटनिंग में बहुत अच्छा असर करती है, तो मैं इसमें आधा चम्मच के आसपास कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर भी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कॉफ़ी में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और इससे आपकी स्किन जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही ब्राइटनिंग आती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है संतरे के छिलकों का पाउडर, ऑरेंज पील। तो मैं थोड़ा सा ऑरेंज पील भी मिलाऊंगी। मैं इधर 1 चम्मच के आसपास ऑरेंज पील मिला रही हूँ, आधा आधा चम्मच करके। तो ऑरेंज पील मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी और ये फेस पैक रेडी है। अब इस फेस पैक को आप वीक में 1 या 2 बार लगा सकते हैं, और इसको फ्रिज में भी रखा जा सकता है, और आप 1-2 दिन का बनाने के लिए 3 दिन का पैक बना सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं। ज़्यादा बनाएंगे तो इसमें जो दही है वो फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, इसको लगाना है पूरे फेस पर, आँखों के एरिया को आपको छोड़ देना है पूरी अच्छी तरीके से। मैंने मोटी सी लेयर लगानी है। अभी मैं एक लेयर लगाई है, इसके बाद मैं एक लेयर और लगाऊंगी। अच्छी तरह मसाज करते हुए लगाना है इसको आपको, और जब ये सूख जाए इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मसाज करते हुए लगा रही हूँ। इसको थोड़ी देर रोकना है, मतलब आपको सुखाना है, उसके बाद वॉश करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा फेस पैक्स अच्छे लगते हों और आपको कुछ भी कंटेंट अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।